किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं बेलर। बेलर यानी कि जो आपकी धान की पुराली होती है, जो खेत में हमारा जो एक्स्ट्रा फूस बच जाता है, उसके बंडल बनाने की मशीन। और हमारे साथ सर हैं जो कि मैसी फर्गूसन कंपनी से है, और आपको इस बेलर मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई, आपने अपना एक छोटा सा परिचय दिया और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम सरप्रीत सिंह है, मैं मैसी कंपनी का सीनियर एरिया मैनेजर पंजाब एंड हरियाणा देखता हूँ जी। आज हमने यहाँ पे मोहाली में जो स्टॉल लगाई है, इसके लिए हम एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, स्केयर बेलर जी। ये स्केयर बेलर इंडिया नंबर वन स्केयर बेलर है, इन द सेंस ये इनलाइन बेलर है। इनलाइन बेलर, इनलाइन बेलर का मतलब होता है जैसे ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलना जी। बाकी बेलर होते हैं वो ऑफसेट होते हैं, ट्रैक्टर के हटके चलते हैं, साइड में चलते हैं। ये इनलाइन बेलर है, ये इंडिया फर्स्ट मॉडल है जो इनलाइन बेलर और स्केयर बेल बनाएगा। यानी कि भारत में पहला मॉडल है जो बीच में सेंटर में चलेगा और स्केयर बेल बनाएगा, स्केयर बेल बनाएगा जी सर। इसकी खासियत क्या क्या है, ये दूसरों से कैसे अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके टो बार से। इसके टो बार में काफ़ी एडजस्टमेंट हैं जो हर ट्रैक्टर के हिसाब से, ये नट को ऊपर कर लीजिए, हर ट्रैक्टर के हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट कर लेता है। दूसरा, ये ट्रैक्टर के साथ मिलकर 80 डिग्री लेफ्ट और 80 डिग्री राइट तक मुड़ जाता है। दूसरी कोई भी कंपनी का बेलर 40 डिग्री से ऊपर नहीं मुड़ता और वो एक ही तरफ मुड़ता है। अब आ जाइए इसके आगे, इसका जो फीडर बार है ये 1.92 मीटर है, मतलब 7.25 फीट लंबा है ये। उसके बाद बात करें इसके प्लंजर की जी सर, इसका एक प्रोसेस होता है, ये पुराली को उठाता है और अपने अंदर ले जाता है। इसको स्टिफर फिंगर बोलते हैं, ये स्टिफर फिंगर है, इसमें 4 फिंगर्स लगी हुई हैं। तो ये 4 फिंगर इजीली पुराली को ऊपर ले जाती हैं, ऊपर की ओर धकेल देती हैं, ऊपर की ओर धकेल देती हैं। और उसके बाद हम शुरू हो गया था प्लंजर का। प्लंजर इसके अंदर होता है, उसका काम है बेल चैम्बर तक पुराली को पहुंचाना। इसकी प्लंजर की जो स्ट्रोक है वो पर मिनट 100 है, एक मिनट में 100 वाली स्ट्रोक मारता है, जिससे इस बेलर की, मैसी बेलर की गांठ दूसरे के मुकाबले 4 से 5 किलो भारी होती है, मजबूत और भारी हो जाती है, मजबूत और भारी होती है। अब बात कर लीजिए इसके, इसमें ट्वाइन रोप रखने की जगह है, 5 इसमें जो धागा लगता है उसको ट्वाइन रोप बोलते हैं। 5 धागा इधर, मतलब 25 किलो धागा इधर, 25 किलो राइट हैंड साइड पे रखने, दोनों साइड में रखा जा सकता, रखा जा सकता है। जहाज के टायर लगे हुए हैं इसमें, ट्यूबलेस टायर। इस तरीके के क्यों दिए गए हैं, आपने देखा है बहुत से टायर जबकि ऐसे गुड्डी वाले होते हैं, लेकिन इसके लाइन वाले दिए हैं, इसका कारण? इसका कारण ये है कि ये नमी वाले खेत में, देखो आप नजर मारिए दूसरे बेलरों में क्या होता है, एक टायर बड़ा और एक छोटा होता है जी। इसमें क्या है, ये दोनों टायर एक जैसे हैं, जो मॉइस्चर वाले खेत में भी चले जाते हैं, ट्यूबलेस टायर हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नोटर के बारे में। ये जो नोटर है वर्ल्ड की नंबर एक कंपनी है हेस्टन, हेस्टन से ये नोटर हम लाते हैं, हैवी ड्यूटी नोटर है, एचडी नोटर है ये। ये नोटर की खासियत क्या है कि ये गांठ नहीं खोलता, बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद सोने पे सुहागा इसके ऊपर है, लगा हुआ फैन जी। फैन ये क्यों लगा, ये जो फैन है इसका क्या काम है कि पुराली में गर्दा बहुत होता है, जब बेलर बेल बनाता है तो गर्दा बहुत होता है धान की पुराली में, तो ये नोटर के ऊपर गर्दा जमने नहीं देता। सर एक चीज़ और हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 0.0, ये किस लिए दिए गए हैं, ये रीडिंग दी गई जो ये वाली, इसका मतलब होता है कि जब बेल बनकर कितनी बेलें गिरी हैं, यहाँ पे लगा हुआ 0.1 अभी इस बेलर से एक भी बेल नहीं बनी, यानी जितनी बेल जो बेल के मंडल बनकर इससे बाहर निकलेंगे उतने नंबर आते जाएंगे, उतने नंबर आते जाएंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बेलर में वेट कितना हो जाता है सर? एक बेल का वेट होता है 14 से 30 किलो, ये आपके ऊपर है आप कितनी भारी करते हो। एवरेज पंजाब में जो बेल चलता है साइज वो 25 किलो के आसपास चलता है जी। तो अब मैं एक चीज़ और इस बेलर की खासियत बताऊंगा, ये है हाइड्रो फॉर्मेटिक बेल चैम्बर। एक अगर बेल का वजन 25 किलो है तो इसके ऊपर प्रेशर देने से वही बेल 29 किलो की भी बन जाएगी। इसका ये काम है, आप जितनी हैवी करने चाहोगे उतनी आप उतनी कर सकते हो, कर सकते हैं उसको, ये अंदर से अंदर दबाती चली जाएगी, अंदर से अंदर दबा देगा। इसका स्पेशल इसमें जैक दिया गया है दबाने के लिए भी जी सर। उसके बाद आपको एक चीज़, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ये जो बेलर है दूसरी बेल के मुकाबले, बेलरों के मुकाबले इसका ये 1 फीट ऊंचा है, 1 फीट ऊंचा है, जिससे क्या होता है ये ग्राउंड पे टकराता नहीं है। देखिए जब सड़क से खेत और खेत से सड़क पे जाना है, ट्रैक्टर तो निकल जाता है लेकिन बेलर का पीछे वाला हिस्सा टकरा जाता है, जिससे इसके अंदर की निडल टूट जाती है या डी शेप हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये बेलर की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊपर दी गई है। सर अगर इस मशीन की हम कीमत की बात करें
तो इसकी कीमत किसान भाइयों के लिए कितनी रखी गई है? देखिए जी, हर राज्य में इस बेलर की अलग अलग कीमत होती है, ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है, तो हर ये अलग राज्य में अलग डीलर से अच्छा। आपको पता चलेगी। जी सर, अगर आप इस मशीन की सब्सिडी की बात करें, क्या भारत सरकार द्वारा किसानों को इस मशीन पर सब्सिडी उपलब्ध है? ये मशीन के ऊपर ये भारत सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध है। पंजाब में इस बेलर के ऊपर 6 लाख रुपए सब्सिडी है जी। अकेले बंदे के लिए 50% और मैक्सिमम 6 लाख तक ये कस्टमर अवेल कर सकता है जी, कर सकता है। और किसान भाई से बेलर जैसे बंडल बनाकर वो किराए पे भी से चला सकते हैं और रोजगार जी, भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये ज्यादातर लोग किराए के लिए, और ये एक्चुअली अगर सिंपली कैलकुलेशन करें तो एक दिन में 35,000 का काम कर देता है ये सारे खर्चे निकाल कर जी। अगर सर इसकी बात करें, एक दिन में ये कितने एकड़ का बेलर निकाल देता है? ये जी एवरेज इसका 1 घंटे में 2 एकड़ निकालता है जी। 1 घंटे में 2 एकड़ निकालता है, तो 12 घंटे काम करके 24 से 25 एकड़ पर डे का इसका बेलर बनाता निकाल देगा, काफी ज्यादा निकाल देगा जी। बिल्कुल जी, 25,000 रुपए पर डे के बच जाएंगे। करेक्ट करेक्ट जी सर। तो सर, आपने हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।